Yes, my dear students and parents. Well, first let me thank all my chote mote nanne mone pyare pyare students for showering their immense love on me. And aapka pyar hi hai wo motivation jiske liye main class 6 NCERT ka study material ko padhane ke liye aapke samne aaya. In fact, it's not teaching, it's fun. Rat ke number lana hai, maza nahi aayega zindagi mein. So parents, this is for you. I would be going word by word of the NCERT textbook. NCERT ke textbooks, aap download kar sakte ho website se. I would read the textbook which is in English, because at this age, all we want that our children should speak very good English. I would read the English text, explain in Hindi word by word, so that they understand the Hindi and English conversion. So chote bacche hain, pyare bacche hain, aapko enjoy karna hai. So aaiye hum start karte hain. Food. Bachcho, aaj ka topic hai food. So when you were an absolute small baby inside the womb of your mother, mummy ke petu ke andar, to bhi aapko khana khate the aap log. So blood vessels of the mother used to supply the food to the child. So food and life, ये आप बात के चलो कि ये एकदम साथ साथ चलता है. क्या मरा हुआ इंसान फूड खाता है? नहीं. ठीक है. सो आप जब तक जी रहे हो तब तक आपको फूड का रिक्वायरमेंट है. सो टिल यू आर अलाइव यू विल नीड फूड. और कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को फूड मत दो बहुत दिनों तक. बिना फूड के वो इंसान भूखा हो जाता है, उसे बहुत भूख लगती है, उसे फिर भी फूड नहीं मिलता है, तो उसके अंदर के जो बॉडी के जो एक एक सेल्स है वो मर जाते हैं, फिर वो इंसान भी मर जाता है. ठीक है. सो फूड कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझ में आ गया है. सो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू गेट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज़न्ट इट. तो ये मेरे ख्याल से सब ईजी है. क्या खाए थे आज, आपका दोस्त क्या खाया, कल जो खाए थे क्या वही आज मिला? नहीं नहीं, हम लोग तो अलग अलग खाना खाते हैं. बिल्कुल, घर में भी ऐसा ही होता है, राइट? सो वी डोंट गेट द सेम फूड एवरी डे. नहीं मम्मी, आज हम चावल नहीं खाएंगे, आज हम नहीं खाएंगे. क्यों बेटा, खा, कल भी तो दही चावल खाए थे. ऐसा होता है ना घर पे? यस होता है. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स. आइटम्स मीन्स फूड आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने दोस्तों से पूछो, अरे भैया तुम क्या लेकर आए हो? ए रोहन, ए विकास, तेरे टिफिन में क्या है? तो पूछो जाके. ठीक है. और अलग अलग स्टेट्स में, अगर अलग अलग स्टेट में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड का फैशन है. ठीक है. सो पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स दे ईट डिफरेंट फूड. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक इन टेबल 1.1. सो मेरे प्यारे बच्चों, टेबल 1.1, माय डियर पेरेंट्स, प्लीज, छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, सो इन्हें बताइए नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. तो साउथ इंडियन मतलब मद्रास में जाओगे, चेन्नई में जाओगे, तो वहाँ इडली डोसा सांभर बड़ा फेमस है. ठीक है. और छोला भटूरे आपके नॉर्थ में बड़े फेमस है. तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड है. और ढोकला, फाफरा, थेपला, ये हमारे गुजरात. अरे बंगाली में अपना है ना माश, मछली. सो अब जितने भी फ्रेंड से पूछोगे, पूछो, पता करो, अलग अलग लोग, अलग अलग शहर के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग गांव में खाने का अलग अलग स्टाइल, अलग अलग स्टाइल से सेम फूड को, गोभी मटर को अलग अलग स्टाइल से बनाया जाता है. गाजर का हलवा को भी अलग अलग स्टाइल से बनाया जा सकता है. गुलाब जामुन मोटा मोटी एक जैसे होते हैं. सो अलग अलग वैरायटी. आपको भी खाने का शौक है? अरे मेरे को तो बहुत है. सो ये एकदम ज़बरदस्त अपना फेमस, अपना पॉपुलर, अपना दिल वाला टॉपिक है. सो आपको क्या करना है, ऐसा टेबल बनाना है. यहाँ लिखना है रोहन, यहाँ लिखना है वैशाली, और उसको उसने आज क्या खाना खाया, उसने क्या खाना खाया, जस्ट टू हैव अ ब्रीफ आइडिया. अब देखो ये अपना क्या है जी, ये इडली, ये माछ. सो ये बंगाल का फेवरेट है, ये चेन्नई का फेवरेट है,
अब ये कौन सा सब्जी है ये मेरे को नहीं पता, अब सब्जी है या इसको चिकन करी बोले या क्या बोले, जिसको जो मन में आए जो समझ में आए बोलो। सो ये डिफरेंट फूड आइटम्स है आपके सामने, अगर आपको भी खाने खाने का मन करे तो पॉज करो लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, एंड गो एंड ईट योर फूड। अच्छा लेट मी टेल, कुछ लेक्चर्स हम हमारे ऐप में और यूट्यूब चैनल पे लगभग 25% हम फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं, बट उसके बाद अगर आपको हमारा स्टाइल अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है, सो यू नीड टू गो इन द सब्सक्रिप्शन मॉडल, मतलब पैसा खर्च करना होगा जी, ठीक है। तो फ्री अगर आपको देखना है तो 25% हम आपको लगभग 25% फ्री में देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट आपको 100% सपोर्ट चाहिए, लेक्चर्स प्लस मेरा पर्सनल सपोर्ट अगर चाहिए। स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विथ मी, स्टूडेंट कैन टॉक टू मी, स्टूडेंट कैन शो दे होमवर्क टू मी, तो मी और माई टीम, ठीक है। सो मेरा पूरा टीम का वन ऑन वन पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए, तो आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज में जाना होगा। देयर सीम्स टू बी टू मच वैरायटी इन द फूड, देयर सीम्स टू बी टू मच वैरायटी, वैरायटी मतलब तो आपको पता ही है, अलग अलग टाइप के खाना होते हैं जो हम खाते हैं। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, अब बोला जा रहा है कि जो हम लोग खाते हैं ये क्या चीज से बना हुआ है, क्या चीज से। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, राइस तो मोर ऑर लेस सबके घर पे बनता है, ठीक है। तो राइस जो आपके प्लेट में आता है, डाइनिंग टेबल पे जब आप बैठते हो राइस आया है, तो क्या वही राइस मम्मी सेम टू सेम बाजार से लेकर आती थी? नहीं नहीं, वो तो रेस्टोरेंट से आता है। जब हम ऑर्डर करते हैं आजकल स्विगी जोमैटो हमें घर पे देकर जाता है वन फ्राइड राइस, वो अलग है, बट घर पे मम्मी राइस लेकर आती है डिपार्टमेंटल स्टोर से, उसके बाद उस राइस को किचन में कुक करती है, ठीक है। सो थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम, कुक्ड, वी टेक रॉ राइस, रॉ राइस मतलब क्या हुआ, रॉ मतलब अनकुक्ड, जो अभी तक पका नहीं है, ठीक है। तो रॉ राइस को लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर, बॉयल मतलब पानी को गर्म करो, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है 100 degrees centigrade, ओके ये हम लोग और आगे समझेंगे। सो बॉयल इन द वाटर जस्ट टू मटेरियल्स, कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो राइस जो आपके डाइनिंग टेबल पे आता है इसमें रॉ राइस है और प्लस वाटर है। ये रॉ राइस एकदम छोटा छोटा दाना होता है। काम करो मम्मी के पास जाओ, अभी लेक्चर को पॉज करो, मम्मी मम्मी आई वांट टू सी द रॉ राइस, छोटा सा दाना देखोगे आप। छोटा सा दाना को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी उस राइस के अंदर जाता है और छोटा सा दाना मोटा सा हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, प्यारा सा हो जाता है, टेस्टी सा हो जाता है, और उसको आप खाते हो। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ये जो राइस आप खाते हो डेली, उसमें वाटर है और उसमें राइस का रॉ मटेरियल है, रॉ राइस, रॉ ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है। सो जस्ट टू मटेरियल, और उसको हम और सोफिस्टिकेटेड भाषा में अगर हम बोले तो उसको हम कहते हैं इनग्रीडियंट्स, ठीक है। तो प्लीज 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 माय डियर किड्स, माय प्यारे चैंपियंस, आप लोगों को ये वर्ड याद करना होगा, इनग्रीडियंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। डिश डिश मतलब वही खाना, खाना को डिश में, एक्चुअली डिश के अंदर रखते हैं ना हम लोग, तो उसको बोलते हैं डिश, डिश डिश क्या हो नहीं डिश, ठीक है। सो ऑफ बॉइल्ड राइस, सो इंग्रेडिएंट्स क्या है बॉइल्ड राइस में, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, तो रॉ राइस प्लस वाटर और ऑफ कोर्स बॉइलिंग वाटर। अब ये तो राइस था जो बहुत ही सिंपल था, ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है, बट बहुत सारे और फूड आइटम्स होते हैं, देर आर अदर फूड आइटम्स या सम अदर फूड आइटम्स विच आर मेड ऑफ मैनी 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 इनग्रीडियंट्स। क्या आप बता सकते हो, मिक्स्ड वेजिटेबल खाया घर पे, मिक्स वेजिटेबल, तो इसके तो समझ में आ रहा है, मिक्स वेजिटेबल मतलब बहुत सारे वेजिटेबल को काटते हैं मिक्स करते हैं, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट हो गए क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल है। उस पर आपका घी भी जलता है, तेल भी जाता है, मसाले भी जाते हैं, नमक मिर्चा गरम मसाला,
चाट मसाला और ये सब देखो, बाकी आप मम्मी से पूछना, मम्मी से। सो वेजिटेबल करी अगर बनाना है सो हमें अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल चाहिए, नमक, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब ये ऑथर जो है ना उसे भी नहीं पता, इसलिए चुपचाप लिख दिया सो ऑन, ठीक है। अब मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मगर मम्मी को पता है। आप एक काम कर सकते हो, जब मम्मी वेजिटेबल करी बनाती है तो आप जाके चुपके चुपके एक बार मम्मी के पास, मम्मी मेरे को देखना है, टरैंग। सो एक्टिविटी टू में आ जाते हैं। सो टेबल 1.1 में कुछ आइटम आपने लिस्ट किया था, राइट। सो अब पता करो कि क्या इंग्रेडिएंट से बनते हैं। अगर आपके दोस्त ने कुछ लाया तो पता करो कि वो सब्जी, वो खाना कैसे बना, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स By discussing with your friends and elders at home, elders मतलब आपसे बड़े, list them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कुछ आइटम तो दिया हुआ है, अब आप अपने दोस्तों से पूछेंगे और दोस्तों से पूछ कर आप यहाँ लिखोगे पनीर, बटर, मसाला। अब इसमें क्या लगता है, इसमें पनीर लगता है, काजू लगता है या वॉट एवर, मेरे को भी नहीं पता, आप अपने मम्मी से पूछो रे बाबा। सो रोटी या चपाती जो है उसमें आटा और वाटर, अरे सर पानी, रोटी में कहाँ से आया पानी, हा हा हा, अरे पानी कैसे आया, वो जो रॉ आटा होता है, रॉ आटा में मिलाते हैं पानी और फिर उसको डो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। डो को फिर हम लोग बेलते हैं और उसके बाद तवा में रखते हैं। सो रोटी में पानी लगता है मेरे भाई। सो दाल में जो है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस तो कॉमन है, ठीक है। ये आप एकदम आराम से कॉमन है, सब जगह पे लिख सकते हो, मोर और लेस, मोर और लेस। सर मोर क्या लेस, अरे भाई मोर और लेस बोलते हैं, मोर और लेस का मतलब है कि हर जगह कम बेसी ये कॉमन रहता है। सर कम या बेसी, अरे भाई बाद में बताएंगे कम है या बेसी है, तुम लोग बहुत शैतान बच्चे हो, क्लास सिक्स के बच्चे हो कि इतना सवाल करते हो, खामोश चलो। सो क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं देखो बहुत धीरे धीरे जाता हूँ, मेरे को एंजॉय करना जरूरी है, आई नीड टू एंजॉय माई सेल्फ, ओके। So if I'm enjoying teaching, you're also enjoying studying. What do we find? Do we find some ingredient common? अरे बाबा ये तो मैं पहले ही बोल दिया रे, मैं तो पहले ही बोला। क्या बोला सर? मैंने बोला ना रे बाबा, मैंने बोला ना water, salt, oil, घी, spices, ये सब common है रे, ये common है। सो ये सब मोर और लेस कॉमन रहता है डिफरेंट फूड आइटम्स में, डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आता है, अरे भैया सॉल्ट कहाँ से आता है, अरे दुकान से आता है, मोदी खाना से आता है सॉल्ट, अरे मोदी खाना मतलब किराने की दुकान, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का बात नहीं कर रहा, क्या तुम लोग क्या मेरे को जेल में भिजवाओगे क्या, हाँ ठीक है। सो पानी कहाँ से आता, अरे पानी हमारे घर के बगल से आता। तेल कहां से आता, अरे तेल भी तो किराने के दुकान से आता। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ठीक है जी, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। मैं थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूँ क्या, ओवर एक्टिंग नहीं लग रहा ना, बर्दाश्त हो रहा ना आपको, तब ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो मेरे को व्हाट्सएप करना, मेरे को मैसेज करना, मतलब सर पढ़ाने का ना, इतना एक्टिंग काय करते, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, ये मेरा अंदर का नेचुरल, आई वांट टू एंजॉय बिकॉज अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा ना जी, मैं मच्छर को मार रहे। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. So, kabhi-kabhi, easy ho jata hai. Fruits and vegetables, for instance. Ab ek baat batao, bhindi ka sabji ban raha hai. To hume to pata bhaiya, bhindi aaya na, bhindi bazaar se laya mai. So, bhindi ka sabji mein bhindi laga. Where do they come from? Ab ye bhindi kahan se aa raha hai, sir? Bazaar se laya na. Are baba re. भिंडी तुम मार्केट से लाया मैं समझा, बट वो मार्केट वाला भिंडी कहाँ से लाया, कहाँ से सर, भिंडी कहाँ उगता मेरे को क्या पता सर। अरे बच्चे
ऐसे मत बोलो। क्या भिंडी कोई फैक्ट्री में उगता है सर? देखो भैया, फैक्ट्री में नॉन लिविंग थिंग उगता रहे, भिंडी तो प्लांट से आया। भिंडी में लाइफ, भिंडी में है लाइफ। ठीक है सर, भिंडी लाइफ है। अरे बिल्कुल, अगर लाइफ नहीं है तो भी लाइफ एनर्जी है, तभी तो आप खाते हो भिंडी और आपको अंदर में मिलती है शक्ति। ठीक है, सो प्लास्टिक खाने से क्या ताकत आएगा? नहीं आएगा ना। प्लास्टिक का खिलो नक्का लोबूक लगा में प्लास्टिक काया, तो प्लास्टिक काया तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पेट काट के प्लास्टिक निकाला, बहुत सारा दर्द भी आया। तो ऐसा काम मत करना। भिंडी खाओगे डॉक्टर पेट नहीं काटेगा, भिंडी में एनर्जी, भिंडी आपका बॉडी के साथ मिक्स होता जी। ठीक है, इसीलिए मम्मी बोलती है गलत काम मत खा लेना। छोटा बच्चा जब तक छोटा बच्चा लोग ना, ये जो कॉइन होता है, कॉइन मुंह में कॉइन लिया अंदर चला गया, बहुत डेंजरस। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान रखने का। सो अंदर क्या जा रहा है? अंदर आपके जाना चाहिए जो नेचुरल होता है, नेचुरल मतलब जो प्लांट से आता है। चलो आगे देखते हैं। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल अपने को पता चल गया, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस एंड व्हीट कहाँ से आता है? राइस एंड व्हीट भी वहीं से आता है, फील्ड से आता है, पैडी फील्ड हो या राइस फील्ड हो, ये अलग अलग तरीके से प्लांटेशन होते हैं। सो ये हम आपको बताएंगे, विच गिव्स अस ग्रेन्स एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट। मिल्क, एग, मीट, ठीक है, ये कहाँ से आया जी? ये एनिमल से आया। सर हम लोग एनिमल को भी खा लेते हैं सर, क्या ये अच्छा बात है सर? आप देखो, अच्छा बात तो नहीं है, क्योंकि एनिमल भी लिविंग बीइंग है, हम भी लिविंग बीइंग है, हम लोग किसी का खा जाते हैं। बट ठीक है, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है रे भाई। ठीक है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये अभी हम नहीं बात करेंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं। सो अभी हम एक्टिविटी 3 में पहुँच गए, बट उससे पहले ये मुर्गी को देखो, मेरे जान मुर्गे के अंडे, अहम मेरे जान मुर्गे के अंडे। अभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं मुर्गी के अंडे वेजिटेरियन होते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं अंडा भी वेजिटेरियन होता है, कुछ बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन होता है। ये तो दाल रे, दाल तड़का, और ये तो अपना पाइन एप्पल, ये एप्पल, ये मैंगो, ये बनाना। सो फ्रूट्स देख लिया हमने, इसको हम लोग पल्सेस बोल सकते हैं, दाल पल्सेस के कैटेगरी में आता है जी, पल्सेस, और ये एनिमल फूड हो गया। सो इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मतलब अपने को पता चल गया ना इंग्रेडिएंट क्या होता है। सो इडली बनाने का जी, इडली, इडली डोसा, हॉट समोसा। इडली खाने का तो राइस लगता जी, उरद दाल लगता जी, साल्ट लगता जी, वाटर लगता जी, और ये सब कहाँ से आया जी? ये सब प्लांट से आया। ओके, चिकन करी खाने का, आई लव चिकन करी। चिकन चाहिए उसके लिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल घी चाहिए, वाटर चाहिए, ये कहाँ से आया है? चिकन एनिमल जी, और कुछ कुछ चीज़ तो प्लांट से भी आता जी, ऑयल एंड घी, प्लांट एनिमल दोनों लिखा जी। सो घी क्योंकि मिल्क से बनता जी, तो मिल्क गाय का मिल्क से बनता, तो एनिमल, ऑयल हो सकता है जी कोई प्लांट से आया जी। खीर खाने का, खीर, खीर तो मिल्क, मिल्क कम फ्रॉम काउ और बफलो, राइस कम फ्रॉम प्लांट। शुगर, शुगर कहाँ से आया? शुगर फैक्ट्री से आया, क्योंकि प्रोसेस होता जी, शुगर केन से बनता शुगर। ठीक है, तो शुगर केन जो है, शुगर केन इज अ प्लांट, प्लांट में शुगर केन लिया, फैक्ट्री में उसको प्रोसेस किया, तब जाके शुगर बना। ठीक है, तो ये हम लोग हायर स्टडीज में हम आपको सिखाएंगे। क्या हम आज का क्लास यहीं रोक दें, ताकि धीरे धीरे आप लोग कम कम तोड़ा तोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मस्ती करो। सो मेरे ख्याल से आज का क्लास यही रोकना अच्छा रहेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई लव यू सो मच। सो नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को खल्लास कर देने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अपने बच्चों के साथ आप भी बैठिए, देखिए, हमें हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना है, समझाना है,
और आई विल नेवर रश, आई डोंट वॉन्ट टू रश बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय लर्निंग विथ माई किड्स. ये सारे बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, चाहे भले आप लोग कहीं पर भी रहो, प्लीज़ डू कॉल मी, सेंड मी योर मैसेज, लवली मैसेजेस. आपको कैसा लगा कुछ भी बोलना है, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका अंकल हूँ, मैं आपका ताऊ हूँ, जो बोलना है बोलो बेटे, या मेरे प्यारे प्यारे नन्ही नन्ही प्रिंसेस. सो यू ऑल आर ब्यूटिफुल, गॉड इज मेड यू एज अ गिफ्ट. आप लोगों को खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे को पता है एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, वो चाहते हैं कि भाई कुछ मिस नहीं हो जाए. एक फियर है कि ओ माय गॉड मेरा बच्चा पीछे नहीं रह जाए, आगे चल के हम पीछे नहीं रह जाएं. मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, एक भी बच्चे को पीछे नहीं रहने दूंगा. सबके साथ रिश्ता है मेरा, सबके साथ मैं समय बिताऊंगा, टाइम दूंगा, कोशिश करूंगा. आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, सो वी विल क्रिएट अ डिफरेंस. डरने का नहीं, प्लीज़ डर को हटाइए. सिस्टम्स के साथ साथ मैं भी इवॉल्व होऊंगा, मेरे सिस्टम्स भी इवॉल्व होंगे, मेरे टीम भी अच्छा काम करेंगे, रिश्ता हम लोग मजबूत करेंगे, और बच्चों को हमेशा 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 स्ट्रेस से दूर रखेंगे, फियर से दूर रखेंगे. डरना मेरे को और आपको है पेरेंट्स, हम डरना सीख गए अनफॉर्चुनेटली. हमें कोशिश करना है हमारे बच्चों को डरने नहीं देना है. सो विद दिस, टाटा बाय बाय, आई लव यू ऑल. एंड दिस इज द रीजन वाई मैं क्लास 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैं क्लास 5, 4, 3, 2 में जितना हो सकता है मेरा लाइफ का एनर्जी मैं दूंगा, और एजुकेशन से डर को भगाऊंगा. सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय.